दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता एक बार फिर गंभीर श्रेणी में आ चुकी है। खेतों में पराली जलाने में बढ़ोतरी, वायु की गति में कमी और प्रदूषक के फैलाव में तापमान के कारण बाधा आने के कारण हालात जो है वो बिगड़े हैं। दिल्ली में आज भी ऑड इवन नहीं लागू है, जो कि प्रदूषण बढ़ने की मुख्य वजह बताई जा रही है। आंशिक राहत के बाद दिल्ली एनसीआर की हवा फिर से दमघोटू हो गई है। मंगलवार को धूल धुएं और कोहरे के कहर ने दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर की हवा आज भी बेहद खराब बनी हुई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिहाज से बेहद हानिकारक है। वहीं लोगों का मानना है कि प्रदूषण को लेकर जागरूक होने की जरूरत है। पोल्यूशन बहुत ज्यादा लग रहा है, काफी फॉग हो रहा है, आईज भी काफी बर्न हो रही है और ये काफी ठीक नहीं है लोगों के लिए, हेल्थ के लिए भी बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मुझे लगता है इसके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए और इसके लिए जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी होगा। सभी लोग सरकारों पर ब्लेम करते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। जनता को कुछ ना कुछ करना होगा। जैसे कि आपने देखा अभी ऑड इवन चल रहा था, लेकिन लोगों ने फिर भी चालान कटवाए, अपने काफी चालान कटे, तो लोगों को समझना होगा ना कि सरकारों को। नहीं, कोई कम तो नहीं है, अभी भी बहुत है, हर साल लोगों के बराबर ही है और शायद ज्यादा ही है इस बार भी। ऑड इवन से तो ट्रैफिक में फर्क पड़ा है कि हाँ, रेड लाइट पर रुकना नहीं पड़ेगा तो आदमी को सांस लेना नहीं पड़ेगा गंदा। वैसे तो उससे तो सिर्फ पॉल्यूशन पे तो फर्क इतना नहीं पड़ेगा। गाजियाबाद के वसुंधरा में जहाँ AQI 654 है, तो वही इंदिरापुरम में 441 पर पहुंच चुका है। दिल्ली में AQI की बात करें तो लोधी रोड में 382, आनंद विहार में 441, रोहिणी में 440, पटपड़गंज में 565, तो वहीं ओखला में 533 पर है। आरकेपुरम में जहां AQI 426 पर पहुंच चुका है, तो मंदिर मार्ग में 522 पर है। नोएडा में AQI की बात करें तो सेक्टर 62 में 714 हो गई है। आपको बता दें कि वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बेहद खराब, 401 से 500 के बीच गंभीर और 500 के पार बेहद गंभीर माना जाता है। माना जा रहा है कि पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने में बढ़ोतरी हुई है, जिसका असर भी दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रहा है। ऑड इवन नहीं होने से सड़क पर गाड़ियों की संख्या बढ़ गई है, इससे प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद भी प्रदूषण कम होता नजर नहीं आ रहा है। बीते दिनों प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकारों को कड़ी फटकार लगाई थी, बावजूद इसके कोई असर नजर नहीं आ रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 TV।